टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का सोमवार का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अरमान को दरवाजे के बाहर अबीरा की एक झलक दिखाई पड़ेगी। वो उसके पीछे दौड़ेगा लेकिन वहां कोई नहीं मिलेगा। दादी सा अरमान को समझाएंगी कि सब उसके दिमाग का वहम है। उधर अरमान के पिता माधव को होश आ चुका है और उन्हें लगातार इस बात का फिक्र है कि कहीं उनके पीछे और पहुंचने से पहले अरमान की शादी ना हो जाए। इधर संजय हॉस्पिटल में फ़ोन कर देगा कि भाई साहब के होश में आते ही मुझे फ़ोन कीजिए। विद्या अपने बेटे को समझाएगी कि कैसे आज से कई साल पहले उसने उसकी और रोहित की खुशी के बारे में सोचा और माधव के साथ रिश्ते ठीक नहीं होने के बावजूद इस घर में रुक गई। उधर रूही पोद्दार हाउस में फ़ोन करके पूछेगी कि वहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि अरमान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है और वीडियो कॉल में भी सभी के मुँह लटके हुए नजर आ रहे हैं। दादी सा का ये सच छिपा जाएगी कि अरमान हेल्दी के लिए नीचे आने को तैयार नहीं है, उल्टा वो रूही के लिए अरमान के नाम से तोहफे भिजवा देगी जिन्हें देखकर वो खुश हो जाएगी। इधर मनीष जी को समझ में आ जाएगा कि कावेरी झूठ बोल रही है और सच कुछ और ही है। इधर फोन कटेगा और उधर हल्दी के लिए नीचे आने को तैयार हो जाएगा। पोद्दार हाउस के सभी चेहरों पर मुस्कान खींच आएगी, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आएगा कि अरमान के जहन में तो पूरे वक्त उसके अबीरा के साथ बिताए गए वक्त ही याद में चल रहे हैं। वो हल्दी तो करवा रहा है लेकिन उसका मन अभी भी अबीरा पर अटका हुआ है। कावेरी भड़क जाएगी और अपने घमंड में कुछ ना कुछ सोचते हुए बच्चों के हाथ रूही के लिए हल्दी भिजवा देगी। रास्ते में बच्चों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और वहीं पर उन्हें अबीरा मिल जाएगी, क्योंकि शहर में ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल थी। तो अबीरा भी बच्चों को रूही के घर ड्रॉप करने की बात कहेगी। बच्चों को ड्रॉप करके जब अबीरा जा रही होगी तभी मनीष भी उसे रोक लेगा। मनीष जी अबीरा को अपने यहाँ रुकने का ऑफर देंगे लेकिन अबीरा ना तो उनके यहाँ रुकेगी और ना ही पोद्दार हाउस में रुकने की मानेगी और वहाँ से चली जाएगी।